हेलो दोस्तों, देखिए आरसीबी वर्सेस मुंबई जो वानखेड़े मुकाबला खेला गया, करो या मरो का मुकाबला था। आरसीबी को वहां बुरी तरह से हार हुई, मुंबई इंडियंस काफी तगड़े तरीके से जीती है। और उसी बात को लेके आरसीबी जो कप्तान है फाफ डुप्लेसिस ने सूर्य कुमार यादव को लेके काफी बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल जिस प्रकार से आरसीबी ने बैटिंग किया, बैटिंग तो अच्छी हुई, बैटिंग अच्छी, लेकिन नीचे जो वही प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर जो इनका साथ नहीं दिया। अदरवाइज जो 199 बनाया आरसीबी ने, यही स्कोर 225, 230 भी, 220 भी हो सकता था। और 199 में और 220, 225 में धरती आसमान का फर्क होता है, स्कोर बोर्ड का प्रेशर भी होता है। लेकिन जिस प्रकार से कल चेस का स्टार्ट किया, रोहित शर्मा फिर से फेल हुए और ईशान किशन बहुत धमाकेदार पारी खेली, स्टार्ट वही किए थे 21 गेंदों 42 में शानदार पारी खेली, हसरंगा ने टीम को जरूर वापस लाई, क्योंकि उसके बाद कोई और बॉलिंग अच्छी किया नहीं, सिराज भी नहीं किया, हजलबुड भी नहीं कुछ खास पाए, विजय कुमार भी कुछ खास नहीं कर पाए। और जो बैटिंग किया है कल, जो सूर्य कुमार यादव 35 गेंद 83 बनाया, इतनी शानदार जबरदस्त बैटिंग किया कि स्टार्टिंग तो 10 गेंदों का स्ट्रगल किए थे सूर्य कुमार यादव, उसके बाद जिस तरह से मारना स्टार्ट किया किसी को नहीं बख्शा। और 16.5 ओवर में ही साथ 21 गेंद शेष थी, उसके पहले मुकाबला जीत लिया मुंबई इंडियंस ने। तो अब मुंबई इंडियंस क्या 3 नंबर पर चली गई और जो आरसीबी है 7 नंबर पर आ गई। उसी बात को लेकर फाफ डुप्लेसिस जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए, उन्होंने एक बड़ी बात बोली, उन्होंने कहा कि जो मुंबई की बैटिंग है काफी डीप बैटिंग है, हमने 20-25 रन कम बनाया है, और जो वानखेड़े का जो स्टेडियम है ये पहले वाला स्टेडियम नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा धीमी विकेट है, इस तरह भी चीजें कहा। आगे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मुंबई चेस किया है वो अपनी डीप बैटिंग की वजह से चेस किया है, और सूर्य कुमार यादव जैसा खिलाड़ी जिसके पास होगा वो हमेशा खुश ही होगा, इस तरह के स्टेटमेंट दिया है फाफ डुप्लेसिस ने सूर्य कुमार यादव गुलिगल, जो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने T20 का जो नियम है, जो एक शॉट्स सब कुछ चेंज करके रख दिया जब से उनका डेब्यू हुआ है भारत में, आईपीएल जिस पास खेल, लेकिन भारत में आने के बाद उनका खेलने का तरीका और ज्यादा तगड़ा हो गया है। तो बस यही बात कही है, आई होप बस वीडियो लोग अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, बड़ा करो प्रेस की, सुनना ख्याल रखिए और मिलते हैं वीडियो बैठे। जय हिंद, जय भारत।